तो किस तरीके से आप एक बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट क्रिएट कर मनी मेक कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैंने एक फुली फंक्शनल बैकग्राउंड रिमूव करने वाली वेबसाइट क्रिएट की है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेबसाइट यहाँ पर फुली फंक्शनल है, कहने का मतलब यह है यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है। वेबसाइट आपके इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करेगी, जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब वेबसाइट कैसे वर्क करती है, पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फिर कैसे आपको यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करना है, वो भी बिना कोडिंग की नॉलेज के, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हियर, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपनी जेपीजी, पीएनजी और वेबपी की इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जिस भी इमेज के आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, आपको यहाँ पर उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ओरिजिनल इमेज को अपलोड कर दिया है, और रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज आपके सामने आ चुकी है। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके माध्यम से आप अपनी इमेज के डाउनलोड भी कर सकते हैं। इमेज आप यहाँ पर एसडी के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट यहाँ पर वर्क करती है। अब आपको यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है डीप सिक का। तो सिंपली आपको जाना है डीप सिक के ऊपर, और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें। जैसा आप डीप सिक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से मैं अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा, तो यहाँ से मैंने अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है, एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू जनरेट एन वेबसाइट विच इज़ कैपेबल फॉर इमेज बैकग्राउंड रिमूवर एंड विद द ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव लुक ऑफ दिस वेबसाइट एंड यूजर एक्सपीरियंस इज कूल एंड अमेजिंग। बिल्ड दिस वेबसाइट, हेयर इज द एपीआई कोड। एंड 200 एपीआई कोड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना एपीआई की के आपकी वेबसाइट यहाँ पर फंक्शन नहीं करेगी। तो पहले आपको यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट को ढूंढना है जो ऑलरेडी यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करती है। वहाँ से आपको अपनी खुद की एपीआई की को जनरेट करना है, और इसी एपीआई की का यूज़ कर कर आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस पॉपुलर वेबसाइट को तो जानते होंगे, जिसका नाम है remove.pg। ये वेबसाइट भी यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करती है। तो इसी वेबसाइट का यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपनी एपीआई कीज़ को जनरेट करने वाले हैं। तो पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है, माई अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एपीआई कीज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू एपीआई की का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्रिएट एपीआई की इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई की को जनरेट कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, एंड यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डीप थिंक का, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब डीप सिक यहाँ पर डीप एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा, एंड डीप थिंक यहाँ पर डीपली एनालाइज करेगा, और मॉडर्न तरीके से जो आजकल हमारी बैकग्राउंड रिमूवर की वेबसाइट क्रिएट होती हैं, उसी का ही यहाँ पर थीम यूज़ कर कर, उसी का ही आइडिया यूज़ कर कर आपको यहाँ पर बेहतरीन कोड्स बना कर देगा, जिसका यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट को बना रखा है, जो कि यहाँ पर फुली फंक्शनल है और बिल्कुल मॉडर्न थीम के ऊपर यूज़ है, उसी का यूज़ कर कर यहाँ पर भी आपको कोड बना कर देगा, जिसका यूज़ कर कर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो डीपसिक ने यहाँ पर डीपली एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ पर आपके HTML कोड बनने स्टार्ट हो गए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम यहाँ पर बीतेगा, और बेहतरीन से बेहतरीन HTML कोड्स आपके यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और देखना है कैसे HTML कोड हमारे यहाँ पर बनते हैं। अगर हमारी इच्छा के अनुसार HTML कोड यहाँ पर नहीं बनते, तो अगेन आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करना है। जैसे भी आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करना है, और डीपसिक आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अनुसार ही वेबसाइट बना कर देगा।
कई बार क्या होता है, हमें वेबसाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो उस केस में हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं। ओनली आपको यहाँ पर डीप सीक को समझाना है कि आप अपनी वेबसाइट में क्या मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं। डीप सीक यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस को एनालाइज करेगा और इसी के अनुसार ही आपकी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन कर कर दे देगा। तो हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर कोड्स रेडी हो चुके हैं, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रन HTML का। इसके माध्यम से आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि वेबसाइट आपकी मर्जी के अनुसार बनी है या नहीं बनी है। तो मैं सिंपली रन HTML इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनकर रेडी हुई है। सिंपल वेबसाइट यहाँ पर बनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट को और भी अधिक यहाँ पर आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं और भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर छोटा मोटा चेंज कर देना है। जैसे कि मैंने अगेन एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, तो मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखा है, प्लीज़ मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स लुक्स प्रॉपर। और यहाँ पर मैंने अगेन अपना API कोड दे दिया है ताकि डीप सीक को यहाँ पर API को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा, अगेन मैं यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट टाइप करूँगा, देन सेंड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब डीप सीक हमारी जो भी हमें यहाँ पर नीड थी उसी के अनुसार यहाँ पर क्या करेगा, प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, अगेन आपको यहाँ पर कोड बना कर देगा। अगर अगेन आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट पसंद नहीं आ रही तो अगेन आपको यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है, डीप सीक अगेन आपको यहाँ पर कोड बना कर देगा। जब तक आपको आपकी मर्जी के अनुसार वेबसाइट ना मिले तब तक आपको यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट टाइप करते रहना है। कभी ना कभी मिस एक प्रॉम्प्ट में, दो प्रॉम्प्ट में, तीन प्रॉम्प्ट में, चार प्रॉम्प्ट में, कभी ना कभी आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अनुसार वेबसाइट बनकर मिल जाएगी। थोड़ा बहुत प्रयास आपको यहाँ पर करना है और डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अनुसार ही वेबसाइट मिलकर बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन क्या करा है, डीपसिक ने यहाँ पर कोड्स को एनालाइज किया है एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अगेन यहाँ पर कोड्स को बना रहा है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने एक न्यू वेबसाइट आ जाएगी। अगर वो भी हमारी मर्जी के अनुसार नहीं बनी होगी तो अगेन हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे, और जब तक हमारी मर्जी के अनुसार हमारी वेबसाइट नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते रहेंगे। तो डीपसिक ने यहाँ पर अगेन कोड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर वेबसाइट हमारी मर्जी के अनुसार बनेगी तो कैसे उसको होस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे कोड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और कोड्स हमारे किस बन रहे हैं, HTML में। तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड कुछ ही सेकेंड्स में हमारे सामने हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कितने सेकंड हमारे सामने हमारे रिजल्ट आते हैं ताकि हम यहाँ पर चेक कर सकें वेबसाइट हमारी मर्जी के अनुसार यहाँ पर बनी है या नहीं बनी है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तो कुछ ही सेकंड्स का और यहाँ पर समय बीतेगा और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर वेट करो ताकि आपको यहाँ पर एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। जितना आप यहाँ पर समय व्यतीत करेंगे, जितना आप यहाँ पर बुद्धि का यूज़ करेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दबाजी तो आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट करना है, अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे कोड्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब मैं अगेन यहाँ पर रन HTML इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस टाइप की वेबसाइट हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो वेबसाइट मुझे यहाँ पर थोड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैं होस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसके कोड को कॉपी कर लूँगा। अब इसको होस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ब्लॉगर का, तो आपको सिंपली जाना ब्लॉगर के ऊपर और यहाँ पर आपको अपनी न्यू वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। तो उसके इसमें आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्लॉग का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नेम रख देना है, जैसे कि यहाँ पर इसने हमारी वेबसाइट का क्या नेम रखा है, जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पर रन HTML, तो इसने यहाँ पर वेबसाइट का नेम रखा है मैजिक इरेज, है ना। तो इसी को मैं अपनी वेबसाइट का नेम रखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा मैजिक इरेज। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम रख दिया है। यहाँ पर आपको अपना URL रख लेना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैजिक इरेज, ठीक है। और चेक करते हैं क्या URL हमारे यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, तो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा सेव, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो वेबसाइट हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपने कोड को होस्ट करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है थीम, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्विच टू फर्स्ट जनरेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको लिख देना है स्विच विदाउट ए बैकअप, इसके ऊपर टिक कर देना है
और आपका यहाँ पर न्यू इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट एचटीएमएल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है, अपने कोड से इसको रिप्लेस कर देना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपके कोड्स यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आना है व्यू ब्लॉक, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं वेबसाइट हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है अपलोड इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। तो हमारी ओरिजिनल इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और रिजल्ट वाली इमेज हमारे सामने आ चुकी है। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रेडी कर लिया है। अब हमें अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एड स्टारा का, तो सिंपली आपको जाना है एड स्टारा के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एड वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस था उसको कॉपी करना है एंड उसको आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है। कैटेगरी चूज़ कर लेना है, देन यहाँ से आपको एक एड कोड को चूज़ कर लेना है, देन एड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो जाएगी और कुछ ही सेकंड्स में आपकी वेबसाइट यहाँ पर विजिबल भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर विजिबल होनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है ऐड यूनिट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपका जो कोड वगैरह है वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा गेट कोड, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट के लिए कोड को जनरेट कर लूँगा। अगेन आपको यहाँ पर आना है एडिट एचटीएमएल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको बॉटम में आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्ट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे आपको अपने जो आपने एड कोड अभी जनरेट किए थे उसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या मेरी वेबसाइट के अंदर जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसमें यहाँ पर मेरी ऐड शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी हमारी जो ऐड है वो यहीं पर शो होगी, हमारी ऐड यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज भी कर लिया है। अब बात करते हैं ट्रैफिक की, कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आएंगे। तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को फ्री ट्रैफिक सोर्सेज को प्रमोट करना है और पूरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मिसाल आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर मैंने आपको 100 से भी ज़्यादा फ्री ट्रैफिक सोर्स के बारे में जानकारी दी है। तो सिंपली आपको हमारे चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है। फ्री ट्रैफिक की आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सारी वीडियोस को देखना है और उन फ्री ट्रैफिक सोर्स के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है ताकि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक प्राप्त कर सकें और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसे आपको एक बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट क्रिएट करना है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।